नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल हेमा किचन हेल्दी फूड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, मैं खेत में चलती हूँ सब्जी लेने, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं आ गई हूँ अपने खेत में। हमारे खेत में आज लीलगा आ गया था दोस्तों, तो सब सब्जी खा गया है। देखिए भिंडे बहुत अच्छी फरी हुई थी, फूल भी खिला हुआ था, सब खा गया है। ये देखिए कद्दू का जो पत्ता था सब खा गया है। ये देखिए दोस्तों, भिंडी का फूल है, सुबह का टाइम है, खिला हुआ है। और देखिए यहाँ भिंडी तैयार हो गई है, और इसी प्रकार से बहुत ढेर सारी फरी हुई। तो घर रोज और लीलगा सब लोग आए थे तो चल लिए हैं। ये देखिए यहाँ भी फरी हुई है। तो यहाँ देखो खीरा फरा हुआ है, तो मैं तोड़ ले रही हूँ। तो दोस्तों हम लोग कल आए थे तो बहुत ढेर सारा तोड़ के ले गए हैं, तो हमारा बेटा आया है उसके लिए तोड़ ली हूँ, तो दे देती हूँ। ये देखिए खीरा में जो ना खूब फूल लगा हुआ है, और इसमें फल भी छोटे छोटे निकल रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए कद्दू फरा हुआ है और एकदम हरा भरा है, तैयार हो गया है बनाने लायक। देखिए तो मैं कद्दू का सब्जी लेने आई हूँ, तो मैं ये नहीं ले रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ। पत्ते से ढका हुआ था तो कद्दू तो नहीं दिख रहा है, तो मैं देखिए पत्ता हटा दी हूँ, तो पकने के लिए मैं एक कोहरा छोड़ रही हूँ। मर यहाँ एकदम छोटा सा बतिया है, देखिए फूल जो है कि अब इसका मुरझा गया है और यहाँ निकल रहा है कोहरा, उगेगा इसमें बड़ा का बनेगा। ये देखिए एक कद्दू यहाँ लटका हुआ है, सीताफल हमारे गांव में बोलते हैं, कोहरा भी बोलते हैं। ये देखिए कद्दू में जो कली निकला हुआ है, ढोड़ा जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों आज मैं बनाऊंगी कद्दू का सब्जी। ये देखिए बहुत बड़ा कोहरा है कद्दू, तो मैं इसे तोड़ लेती हूँ। ये देखिए मैं तोड़ चुकी हूँ और एकदम हरा भरा है, इसकी बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी सब्जी बनेगी। साथ में हमारी बिटिया रानी आई हुई है, और ये देखिए फूट फूटा हुआ है कांकड़, तो इसमें रख दी है, तो मैं तसले में रख दे रही हूँ कद्दू, तो लेके चल रही हूँ घर। आज रात में बारिश भी हुई है। कद्दू मैं तोड़ ली हूँ, तो मैं एक बर्तन में रख ली हूँ। दोस्तों मैं आज इसी का सब्जी बना के दिखाऊंगी और साथ में पूरी, तो चलिए चलती हूँ घर। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा हमने रेसिपी कैसे बना के आप लोगों को दिखाया हुआ है। आज हमारे यहाँ बहुत तगड़ी बारिश हुई है रात में। यहाँ देखिए दोस्तों, बगल में हमारी नदी एकदम जो है कि बारिश की वजह से फुल हो गई है, भर गई है। देखिए पानी बह रहा है कितना, जी गंगा जी की तरह लहर रहा है। कद्दू को मैं लेके आ गई हूँ घर, और हमने साफ पानी से धो लिया है। ये देखिए एक साइड में हरा भरा है और एक साइड में देखिए व्हाइट व्हाइट है, और इसका डंठी तोड़ देना है। आगे का सामग्री देख लीजिए, हमने चार आलू लिया है, एक टमाटर और लहसुन का कली, प्याज, हरा मिर्च। हमारे यहाँ दोस्तों जो है कि औरत लोग या लड़की लोग नहीं काटती हैं कोहरा, तो ये देखिए हमारा बेटा काट रहा है चाकू से, देखिए कब कटता है कोहरा इनका, लगभग कोहरा कटने वाला है। देखिए घाव, ये देखिए हमारा बेटा कोहरा काट दिए है, दो भागों में कर दिए हैं। तो मैं एक पीस बनाऊंगी और एक रख दे रही हूँ। डंठेली वाली भाग हमें निकाल देना है, और बाकी जो सामग्री है मैं सब काट ले रही हूँ, और जो इसमें का बीज है ना हमें सब निकाल देना है। तो ये देखिए हमने बीज निकाल दिया हुआ है, तो अब इसे जो है कि पतील पतील पीस में कट कर ले रही हूँ, इसे बारीक काट लेना है। तो दोस्तों जो छिलका है बहुत नरम है, मैं इसका छिलका नहीं उतारूंगी, और जो आपका या कद्दू हो तो आप उसका छिलका उतार कर बना सकते हैं। तो कद्दू को हमने बड़े बड़े पीस में कट कर लिया है। तो दोस्तों ये जो बीज था खेत में अपने आप से उगा हुआ था, हम लोग बोए नहीं थे खेत में, जो बोए थे वो नहीं फरा हुआ है। तो मैं एक एक पीस लेके इसी प्रकार से काट ले रही हूँ, ना तो ज्यादा बड़ा काट रही हूँ ना तो ज्यादा छोटा। तो दोस्तों कोहरा बहुत नरम है, बहुत जल्द गल जाएगा। इसी प्रकार हमें सारे कद्दू को काट लेना है। कद्दू को हमने कट कर लिया है, आलू वगैरह हमने सब काट लिया है सामग्री। ये देखिए दोस्तों, हमने कढ़ाई में मक्खन रख दिया था, तो ये देखिए घी बनके तैयार हो गया है, तो मैं चूल्हे से नीचे उतार दे रही हूँ। तो चलिए सब्जी बना के दिखाती हूँ। कढ़ाई हमारी गर्म है, तो सब्जी बनाने के लिए सरसों का तेल डाल रही हूँ। जीरा पचफोरन का मैं तड़का लगा दे रही हूँ, तेल हमारा गर्म हो चुका है, पचफोरन वगैरह पक चुका है। तो मैं प्याज लहसुन मिर्ची साथ में ऐड कर दे रही हूँ। तड़का को अच्छे से भून लेना है।
तड़का हमारा बहुत बढ़िया से पक गया है, एकदम गोल्डन कलर आ गया है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ कटा हुआ कद्दू। कद्दू को तड़के में मिला देना है अच्छे से, थाली से ढक के पका लेना है। उसके बाद में आलू टमाटर ऐड करना है। सब्जी को मैं चला दी हूँ, आलू ऐड कर दे रही हूँ और साथ में टमाटर ढक्कन लगा के ढक के सब पका लेना है। इससे हमारी सब्जी अच्छे से पक जाएगी और जो है कद्दू गल जाएगा बढ़िया से। सब्जी को बीच बीच में चेक करते रहना है दोस्तों, नहीं तो लोहे की कढ़ाई है बहुत जल्द इसमें जलने लगता है, पर इसमें लोहे की कढ़ाई में सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। पंखुड़ी सब्जी में मैं कुछ मसाले ऐड कर दे रही हूँ। ये है हल्दी पाउडर, ये है राजेश कंपनी का मीट मसाला, तो इससे बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी सब्जी बनती है दोस्तों। मैं धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर नहीं ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो डाल सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। अब सभी मसाले को अच्छे से सब्जी में मिला देना है, उसके बाद में थाली से ढक के पकाना है। आप चाहे तो हरा धनिया डाल सकते हैं सब्जी में। एक बार मैं और सब्जी को अच्छे से चला दे रही हूँ, उसके बाद मैं 2-3 मिनट के लिए पकाऊंगी, उसके बाद उतार दूंगी चूल्हे से नीचे। ये दोस्तों आप पंडित के लिए भोजन बना रहे हैं, जैसे सब्जी कद्दू की हुई तो आप उसमें प्याज और लहसुन बिल्कुल ना डालें, तो ब्राह्मण लोगों का फेवरेट सब्जी है ये। तो सब्जी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए कद्दू टमाटर आलू बहुत अच्छे से सब पक चुका है, तो मैं दूसरे बर्तन में निकाल दे रही हूँ। कढ़ाई में दोस्तों हमने रिफाइंड का तेल डाला हुआ है, गर्म हो चुका है, तो पूड़ी को मैं फ्राई कर ले रही हूँ। 2-3 पीस में डालूंगी एक बार में। तो ये देखिए हमारी पूड़ी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो तेल से बाहर निकाल ले रही हूँ। बाकी का जो आटा है इसी प्रकार से फ्राई कर ले रही हूँ। आटा हमने पहले गूंथ के रख दिया था तो खिल गया था आटा हमारे। देखिए कितनी खिली खिली पूड़ियाँ बन रही हैं। कद्दू के साथ सब्जी पूरी बहुत टेस्टी लगती है। दोस्तों सुबह का खाना हमारा बनके तैयार है। देखिए स्पेशल थाली एकदम सजी हुई है। ये देखिए हमने खटाई वाली दाल बनाया हुआ है अरहर का की सब्जी, चावल, पूरी तो हमारी बनके तैयार है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।